हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द कुकिंग होस्ट पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवइयों का जर्दा, जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक बन के तैयार होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेना है, ये ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आपको जो पसंद है। मैं यहाँ पे नारियल ले रही हूँ, जिसका मैंने छिलका उतार लिया था, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं चिरौंजी ले रही हूँ। यहाँ मैं 7-8 काजू ली हूँ, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून किशमिश ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे पिस्ता ले रही हूँ। यहाँ पे मैं बादाम ले रही हूँ, जिसे मैंने भिगो के छिलका हटा करके इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं सेवई बनाने का प्रोसेस। यहाँ पे अब हमें पैन ले लेना है और मैं 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 इलायची ऐड कर रही हूँ और अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 150 ग्राम के करीब सेवई ले रही हूँ और इसे अब हम अच्छे से पलट पलट के रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो दोनों साइड का है वो इक्वली रोस्ट हो जाए। हमें इसे साइड बदल बदल करके भून लेना है 1 से 2 मिनट तक। तो चलिए देखिए, ये अच्छे से भून गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ और मैं सेवई को एक बोल में निकाल लूंगी। अब हम यहाँ पे एक डीप पैन ले लेंगे जर्दा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। अब हमें यहाँ पे शक्कर ऐड कर देना है। 1 कप मैं यहाँ पे शक्कर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 150 ग्राम सेवई ली थी, इसका मैंने डबल चीनी लिया है और अब इसमें दूध ऐड कर, ये भी सेवई का डबल है। सेवई मैंने 150 ग्राम लिया था, तो ये यहाँ पे 300 ml दूध है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि जो हमारा शक्कर है वो अच्छे से घुल जाए और जो दूध है उसमें भी अच्छे से उबाल आ जाए। दूध में उबाल आ चुकी है और चीनी भी अच्छे से घुल गई है। तो चलिए अब हम इसमें खोआ ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि मावा, ये 50 ग्राम के करीब है और इसे भी अच्छे से चला लेंगे, ताकि जो खोआ है वो भी अच्छे से घुल जाए इसमें। अब हमें यहाँ पे फूड कलर, केवरा वाटर और इलायची पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं 1 पिंच इलायची पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून केवरा वाटर ले रही हूँ। आप कोई भी फूड एसेंस ले सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल है। यहाँ मैं 4 से 5 ड्रॉप फूड कलर ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, बट इससे थोड़ा क्या होता है कि अच्छा कलर आ जाता है, लुक्स थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें सेवइयाँ ऐड कर देनी है और इसे अच्छे से हमें डुबो देना है सेवइयों को इस तरह से, और फ्लेम को कम कर देना है और मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी ही। उसके बाद मैं फिर से फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे 10 मिनट तक मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो चलिए मैं अब इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा से दूध जो है वो पूरा सोख लिया है, जो एक बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें खोआ और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे रही हूँ और चलिए इसे मैं सर्विंग बाउल में सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये सेवइयों का जर्दा बनके तैयार हुआ है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आप कोई भी ओकेशन पे बनाइए, ईद हो या कोई भी आपका फेस्टिवल हो, आपको और आपके फैमिली को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को मेरी रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।